The Crazy Tour. Hey guys, welcome to my channel. और आज हम बात करेंगे कि audience retention कितना होना चाहिए और audience retention कम होने से क्या फर्क पड़ता है अपने चैनल पर. तो चलिए शुरू करते हैं. एवरेज ऑडियंस रिटेंशन करीब 50% होना चाहिए. अगर एवरेज ऑडियंस रिटेंशन इससे कम होगा तो यूट्यूब हमारे वीडियोस को रैंक नहीं करता. अब चलिए मैं आपको मेरे चैनल के एनालिटिक्स रिपोर्ट दिखाता हूँ जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि एवरेज ऑडियंस रिटेंशन 50% के करीब हो तो यूट्यूब हमारे वीडियोस को प्रमोट करता है. ये मैंने क्रिएटर स्टूडियो ओपन कर लिया है और मैं हूँ एनालिटिक्स में ऑडियंस रिटेंशन में. चलिए हमारा एक वीडियो सर्च कर लेते हैं. ये वीडियो हमारे चैनल पर सबसे पॉपुलर हुआ हुआ वीडियो है. इसका आप देख सकते हो ऑडियंस रिटेंशन परसेंटेज है वो 66% है. तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो इसलिए पॉपुलर हुआ है क्योंकि इसका ऑडियंस रिटेंशन रेशियो बहुत ज़्यादा है. अब चलते हैं दूसरी वीडियो की तरफ जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई है और उसका ऑडियंस रिटेंशन देख लेते हैं. इसका ऑडियंस रिटेंशन परसेंटेज है 9.6. हमारे चैनल पर करीब 2000 वीडियोस है और मुझे पता चला है एनालिसिस पर कि 50% अगर ऑडियंस रिटेंशन है तो यूट्यूब अपने आप हमारे वीडियोज़ को प्रमोट करना शुरू कर देता है.